किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो अमरूद की खेती पर है, तो आइए चलते हैं सर के पास, आपको जो अमरूद की खेती की पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार, मैं मयंक नैथानी, मेरा ये फार्म ग्राम बंदरजुट और ये तहसील हमारा हरिद्वार पड़ती है, ब्लॉक हमारा भगवानपुर पड़ता है। ये हमने जो ये हमारा अमरूद है, ये हमने जो है 3 साल पहले हम लोगों ने ये अमरूद लगाया और ये करीब 70 बीघे में हमने 2500 पेड़ हमने इसके लगाए हुए हैं। ये हमारा फ्रूटिंग है जो हमारा ये अमरूद का। ये कौन सी वैरायटी है सर? ये हमने अमरूद की 2 वैरायटी लगाई है, जिसमें L49 और इलाहाबादी सफेदा, हमने ये दोनों वैरायटी लगाई है। और इसको हमने ये जो है हाई डेंसिटी वाला जो है हमारा इसका प्रोडक्शन है, इसमें हम लोग लाइन से लाइन की जो दूरी है हमारी वो करीब 10 फुट लाइन से लाइन की दूरी, जी हाँ, रो से रो की जो हमारी दूरी है वो करीब 10 फुट है और पेड़ से पेड़ की दूरी जो है वो हमारी 8 फुट है। हाई डेंसिटी पे आपने, हाई डेंसिटी पे है। अब इसका लगाने का मुद्दा ये है, आप ये देखिए कि अगर आप 14-14 फुट में अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो वो आपका जो आपका 1 बीघे के अंदर पेड़ों की गिनती होगी वो आपकी बहुत कम होगी। इसमें जो इसका एक फलसफा है वो ये है, हम इसकी समय समय पे इसकी पूरी प्रूनिंग होती है जी। आपको मैं दिखा, ये देखिए यहाँ से हमने प्रूनिंग करी थी, ये 2 शाख यहाँ से डेवलप हुई है। इससे पहले की जो प्रूनिंग है वो हमने यहाँ करी थी तो ये 2 शाख डेवलप हुई है। यहाँ पे हमने प्रूनिंग करी, ये ऊपर शाखाएं डेवलप हुई है। और ये हम इस पेड़ को किसी भी हद में 7.5 फुट से ऊपर का नहीं होने देते हैं, क्योंकि जितना आप इसका कैनोपी मैनेजमेंट करेंगे ये उतनी ज्यादा इसमें जो है आपकी शाखाएं आएंगी, नए कल्ले आएंगे और नए कल्लों में ही सारी की सारी बाहर आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये हमारा फ्रूटिंग साइज देख सकते हैं, ये हमारा फ्रूटिंग साइज है, आप देखिए। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है जो हम इस सारे के सारे पूरे के पूरे हम बाग में ले रहे हैं, हम करीब 60,000 से 65,000 किलो अभी हम इससे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं और हम इससे काफी ज्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही सही निर्णय रहा है जो हमने 3 साल पहले लिया था। अगर हम किसी और खेती में जाते, इसके अलावा अगर हम किसी और खेती में, बागवानी में जाते, तो शायद इतनी जल्दी जो हमें रिजल्ट इसमें मिले वो हमें मिलना थोड़ा मुश्किल था। तो सर, जैसे कि आपने 70 बीघे में आपने अमरूद का बाग लगा रखा है और 2 वैरायटी लगा रखी है, तो आपके इसमें टोटल जो पेड़ है कितने लगे? टोटल पेड़ जो हमारे टोटल इसमें जो पेड़ आए हैं वो करीब 2500 पेड़ हमने लगाए हैं इसमें, जो हमारे सारा का सारा जो इसमें पेड़ लगा है। और ये 2500 पेड़ जो है हमारे, ये सारे के सारे जो है जुलाई महीने में जी 2017 के जुलाई में हम लोगों ने इन्हें रोपे थे। और अगर हम इसकी बात करें जो हमें इसे स्टार्टिंग जो हमें करना होता है, मई माह में हम लोगों ने इसके 2x2 का हमने पिट हमने इनके तैयार करे थे, जिसमें 10 से 15 दिन हम लोगों ने इसमें जो है खुली धूप, क्योंकि मई में इसलिए करा जाता है तेज धूप रहती है, आपके पिट के अंदर कोई भी अगर आपके कोई भी बैक्टीरियाज हैं, कोई भी फंगस है, कुछ भी है, तो वो सारा का सारा एक सनलाइट से सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद हमने इसमें मल्टीविटामिन, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और आपका NPK, इन तीनों का हमने एक मात्रा जो कि मैं आपको बता दूंगा जी, उससे हमने इनकी जो निकली हुई मिट्टी थी उसके साथ एक अनुपात मिक्स करा और इसको 15 दिन की धूप दिखाने के बाद वो हमने अनुपात इसके अंदर भर के बंद कर दिया। पहली बारिश आने के साथ ही इसके जो है पौधे रोपे जाते हैं, जो कि जुलाई के माह में हमारी पहली बारिश उस साल हुई थी, तो हमने उसके बाद ये पहली बारिश में ही हमने ये सारे के सारे रोपे। अब इसमें खास बात यह है कि देखिए, जब आप ये कोई भी पौधा लगाएं तो खास बात जो हमारी ध्यान देने वाली होती है वो इस प्रकार से जो कल्ले आएंगे आपके, ये आप देखिए, कोई भी अच्छी वैरायटी का जो आपका अमरूद होगा वो ग्राफ्टिंग से तैयार होगा, ये उसमें देसी के जो कल्ले हैं इसका समय समय पे आपको इसका जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ये हटाने पड़ेंगे। अगर ये आप हटाएंगे नहीं तो आपका पूर्णतः ये पेड़ जो है देसी हो जाएगा और किसान इसमें भारी नुकसान भी झेल सकता है, तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब आप देख लीजिए, 3 साल में भी हम इसका पूरा मैनेजमेंट करते हैं, हम इसकी कटिंग करते हैं, टाइम टाइम पे सफाई करते हैं। तो सर, आप इसमें आपके 3 साल के पेड़ हो गए, तो आपने इसमें कौन कौन सी खाद डाली, यानी कि कितने दिन बाद इसमें खाद डालते हो? देखिए, हम इसमें जो है साल में दो बार, एक बार तो अभी बरसात के बाद और एक बार हम फरवरी माह में, लगभग 5 से 6 महीने के अंतराल में हम इसकी पूर्ण सफाई करते हैं जी। पूरी मिट्टी चढ़ाई जाती है
और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, ये एक बड़ी खास बात है, अहम बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होगा तो इसकी गहरी फावले से आपको निराई करानी पड़ेगी। अगर आप खुरपे से निराई कराएंगे तो होता क्या है, इनकी जो जड़ें हैं उसमें जाल बन जाता है, तो जिस अनुपात में उसे पूरे भरत पोषण तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं ले पाता पे। जब आप फावले से इसकी पूरी करेंगे तो वो सारा जाल कटेगा और इसकी जो जड़ें हैं वो फिर से एक अच्छे तरीके से अपने पोषक तत्व लेती हैं। खास बात एक और चीज़ है कि जब आप ये करेंगे, जब आप इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे और जब आप खाद डालेंगे, तो जितनी आपको कैनोपी का साइज है, ये ऊपर से जो कैनोपी का साइज है, यहाँ पे आप इसकी खाद डालेंगे, आप यहाँ नहीं डालेंगे जब बड़ा हो जाएगा। छोटे पेड़ में आप इधर डालेंगे खाद, बड़े पेड़ में आप थोड़ा सा दूरी डालेंगे, क्योंकि आज इसकी जड़ें बड़ी हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, 2 से 2.5 फीट के घेरे में आप जो है दूरी पर आप डालेंगे, ताकि अपने पोषक तत्व वहां से ले सके। आपने वहां डाला, वो किसी भी उतना उसमें जो है फायदेमंद नहीं रहेगा। दूर डालेंगे तो उसकी जड़ें वहां से अपने सही अनुपात में अपनी सारी की सारी चीजें लेंगी। तो सर ये कौन सी वाली वैरायटी है वाली? ये L49 है। अच्छा, L49। और जो आपकी सफेदा है वो कौन सी? वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आप लेंटिल दालों के छोटी पौध जो होती है वो लगाइए, ताकि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा जो है मिट्टी में आपकी बनी रहे और इसमें आपको काफी फायदेमंद रहेगा। ये जो है ये हमारा दूसरी वैरायटी है, ये जो है हमारा सफेदा वैरायटी, इलाहाबादी सफेदा भी। इसकी पहचान क्या होती है सर? इसकी पहचान ये है कि इसके पत्तों में लाल लाल रंग के निशान होते हैं और इसका जो फल रहेगा वो थोड़ा गोलाई वाला रहेगा। आपने वो देखा था, उसमें पतली गर्दन रहती है जी। L49 में पतली गर्दन रहती है, इसका जो फल रहेगा वो गोल रहेगा, थोड़ा सा सफेद कलर का हो जाता है। और ये बहुत ही पुरानी जो है हमारे यहाँ की, इंडिया की काफी पुरानी वैरायटीज है ये, और ये दोनों की दोनों जो है ये आप देख सकते हैं। तो सर अगर इसके रोग और कीट की बात करें तो इसमें रोग और कीट क्या आते हैं सबसे ज्यादा? देखिए, इसमें जो सबसे घातक जो रोग है वो निमेटोड का है। अभी अभी हमने ट्रीटमेंट करा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आप जो ये देख रहे हैं, इसमें ये निमेटोड हो गया था, जिसकी वजह से इस तरीके के इसके सारे के सारे पत्ते हो जाते हैं। और निमेटोड में होता क्या है, ये एक जड़ों का इन्फेक्शन है जी। तो जड़ों में गांठें बन जाती है, फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी वेन्स जो है आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं ले पाता। इसके लिए जो हमने दवाई यूज करी है, वेलम प्राइम करके बायर्स की एक दवाई है, वो हमने यूज करी थी, तो उससे अब काफी सुधार है। ये हमारे करीब 40 पेड़ों में ये वाली दिक्कत आई थी, जो कि अब हमने इसको पूरा का पूरा क्योर कर लिया है। तो सबसे घातक बीमारी अमरूद की यही है? यही है सबसे जो घातक है वो यही है। साथ में आपको जो है सर्दियों में हर पौधे में आप ये कर सकते हैं। सर्दियों में क्या है कि आप जब पाला पड़ता है तो इसके आपको पत्तों में जो है पीलापन आएगा जी, तो उसके लिए आप सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे जो है पीलापन नहीं आता है और सारा का सारा पेड़ अच्छा रहता है, पैदावार अच्छी रहती है। तो सर अगर कोई किसान भाई इस अमरूद की खेती करे तो उसे किन किन सावधानियों का रखना पड़ेगा, कौन कौन सी से सावधानी रखनी पड़ेगी इस खेती को करने के लिए? देखिए, जो इसके लिए आपको मेन सावधानी, एक तो रख रखाव आपको इसका प्रॉपर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ये लगाया और आप भूल गए, ये ऐसा क्रॉप नहीं है। आज की डेट में बड़ा साइंटिफिक क्रॉप हो चुका है और ये आपके घर धन धान्य सब भर सकता है। इसमें आपको कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ढंग से करना पड़ेगा। कैनोपी मैनेजमेंट के साथ जो है आपको देसी कल्लों का जो है देखरेख करनी पड़ेगी, और इसमें जो है मेन जो इसके पोषक तत्व हैं उनका पूरा मेंटेन आपको ढंग से करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, देखिए आप, एकदम चमकदार फर्स्ट क्वालिटी। तो सर अगर इसके रेट की बात करें, मार्केट में रेट, तो इसका आपको मार्केट में रेट क्या मिलता है और आप इसको कहाँ पर सेल करते हो, कहाँ पर मार्केट करते हो? देखिए, मार्केट प्राइस में काफ़ी लोग बहुत कुछ बताते हैं। मार्केट प्राइस डिसीजन जो होता है ये 2-3 प्रकार से होता है। एक आपका फार्म गेट प्राइस है, आपको फार्म गेट प्राइस अगर मिलता है उसमें आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपकी तुड़वाई और आपके गेट से जो उठ रहा है वो करीब 35 से 38 रुपए के बीच में इजीली आपको इस फल का मिल जाएगा सर्दियों का। इसमें दो पौध, इसमें दो बार बहार आती है, बरसात में भी आती है और सर्दियों में भी आती है। बरसात की बहार में आपके कीटों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, जिसको यूजुअली जो सारे के सारे फार्मर्स हैं वो नहीं लेते हैं, सर्दियों की लेते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा रेट निकल के आता है। अगर आप इसी को ही ग्रेडिंग करके खुद पहुंच आप मंडी में देते हैं तो आपको एक ग्रेड की 55 से 60 रुपए की कीमत इजीली मिल जाती है, बशर्ते आपको ग्रेडिंग कराना पड़ेगा। और जो एक ए ग्रेड का फल होता है उसका रेट इतना मिलेगा। देखिए, कई बार आपके यूट्यूब चैनल देखने के बाद
कई लोग ये भी बोल सकते हैं नहीं मिलता है, बिल्कुल अगर आप छोटा फल देंगे तो कभी नहीं मिलेगा। आप अगर इतना अच्छा फल, साफ फल, देखिए क्लाइंट आपको तभी पैसा देगा जब उसे एक अच्छा फल मिलेगा। साथ ही हम इसमें जो है, हम यूजुअली जितना भी हम स्प्रे करते हैं, हम इसमें कोशिश ये करते हैं हम केमिकल का यूज कम से कम करें। कई चीजें, कई बीमारियां ऐसी हैं कि हमें भी मजबूरन केमिकल यूज करना पड़ता है और केमिकल यूज से ही वो बीमारियां जा पाती हैं, तो हम वो करते हैं, बट हम उसको बहुत अधिक मात्रा में हम यूज नहीं करते हैं। तो सर अगर इसके एक पेड़ की बात की जाए, वो भी एक पेड़ की, हाँ, और एक पेड़ इसका कितना फल दे देता है, यानी कितने किलो साल में कितना फल देता है इसका, और कितना प्राइस उसका एक पेड़ का मिल जाता है, एक पेड़ का? देखिए हाई डेंसिटी में यही एक मैनेज करने वाली चीज है, हम इस पेड़ को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। हम जो ये पेड़ है, हम इसको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते, हम इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 किलो हम फल लेते हैं, इससे ऊपर हम बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि देखिए हमने इसको ट्रेन करा है, हम इसको प्रून करते हैं, अगर हम इसमें बहुत ज्यादा फल लेंगे तो ये हमारा पेड़ टूटने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर आप आज से 20 दिन पहले आते तो हमारे पेड़ भी गिर रहे थे, आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए आप ये देखिए, ये क्या होता है कि फलों से, वजन से भी पेड़ों के बैलेंस बिगड़ते हैं। अब ये आप इस, आप ये देखिए इधर की साइड, इसमें वजन ज्यादा है इन शाखाओं पे, तो उसकी वजह से हवा के झोंक से भी ये पेड़ जो है इधर से उधर गिरते हैं। तो जो हमारा एवरेज है, हम 30 से 40 किलो लेते हैं। ये जो गेम है हाई डेंसिटी का, ये नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर है, आपने ज्यादा इसमें जो है पेड़ लिए हैं एक जगह पे, आप मैनेजमेंट करेंगे इसका, तो ये आपकी जो इसकी पूरी प्रोडक्शन है वो आपकी जो एक पुराने तरीके से जो हमारी खेती होती थी जिसमें 14x14 15x15 में हम लोग करते थे, तो उससे कई ज्यादा इसकी पैदावार रहेगी। तो सर अगर एक किसान भाई समरूद की खेती करे 10 बीघे में, तो वो किसान उसके लिए कैसी रहेगी और इससे कितनी आमदनी वो कर सकता है सालाना? देखिए अगर आप, कोई भी किसान भाई अगर इसे करता है तो 10 बीघे में वो आराम से 500 से 600 पेड़ आराम से लगा सकता है। अब वो 500 से 600 पेड़ अगर वो लगा रहा है, फल ये दूसरे ही साल में आपको दे देगा। हो सकता है पहले ही साल में इसमें पूरे के पूरे फल आ जाएं, पर आपको 2 साल तक इसमें कोई फल नहीं लेना है जी। तीसरे साल से, ये मेरा पहली बार का फल है जो मैं ले रहा हूँ इसमें, ये तीसरे साल से जब आप इसमें फल लेंगे तो आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, और पहले ही साल में ये आपका जो है, जब आप तीसरे साल में पहली बार इसकी बाहर लेंगे तो ये एक पौधा आपका 20 से 22 किलो आपका आराम से देगा। इसकी कैपेसिटी इसकी इसकी भी वही है, ये कोई पेड़ अलग नहीं है, बस हमने इसका मैनेजमेंट इस प्रकार से करा है कि हम इसे कम जगह में ज्यादा से ज्यादा हम इसमें पेड़ लगा के उससे कितनी ज्यादा यील्ड ले, यानी कि एक पेड़ से एक बार फल आने पे 500-600 रुपए पेड़ से ले सकता शुरुआत में 3 साल में, और 2 बार फल आएगा, यानी कि एक पेड़ से कम माने तो 1000 रुपए पर पेड़ इसकी आमदनी हो जाएगी अमरूद से, हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी एक पेड़ से। और 10 बीघे में किसान अगर हाई डेंसिटी से लगाए तो कितने पेड़ लगाएंगे? 600 पेड़, यानी कि 6 लाख रुपए की उसकी आमदनी। अगर 6 की नहीं भी हुई, 5, 5.5, 6, तो एक हायर साइड हम चले गए, 5, 5.5 की अगर वो मेहनत करता है तो वो जरूर इससे ले सकता है। अच्छा, 5, 5.5 लाख रुपए आसानी से। उसका खर्च कितना आएगा सर इसमें? देखिए इसमें पेड़ लगाने का, यानी कि आपको जो पेड़ लगा आपने कितने रुपए पर पेड़ आपको मिला इसका? देखिए जो इसका भी जो इसका आपका खर्च है, इसका आपका टोटल जो खर्च आएगा शुरू के पहले साल में वो करीब 1 से 1.25 लाख रुपए है 10 बीघे का। जी हाँ, और उसके बाद ये धीरे धीरे आपको सिर्फ खाद और पानी का खर्च है। अगर आपके यहाँ अपना ऑर्गेनिक खाद आप कर रहे हैं जी, अगर आप अपना ऑर्गेनिक डिकम्पोजर बना रहे हैं, आप अपने सारी की सारी चीजें अपनी बना रहे हैं जी, तो ये आपका जो है कम हो जाएगा, और आप आपको ये आप मान के चलिए ये अगले साल जो है करीब 50,000 रुपए का आपका खर्च होगा, और ये 50,000 आपका लगभग कांस्टेंट रहेगा, जिसमें मैं आपको लेबर की कॉस्ट भी बता रहा हूँ। तो 50 से 60,000 रुपए आप ये मानिए कि 10 बीघे में आपका खर्च रहेगा ही रहेगा हर साल। अगर हाँ जी हाँ, आपको क्योंकि इसकी प्रूनिंग भी करानी है, आपको इसकी निराई भी करानी है, आपको इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स भी देखने हैं, तो ये सारी की सारी चीजों में आपका जो है इतना खर्च लगभग रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल और कोई जानकारी हो तो सर आपको नंबर देते हैं, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7060734726। आप इसमें अगर आपको अमरूद के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जरूर मुझसे ले सकते हैं। बाकी आपके साथ चौहान जी है ही, जो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे, और बाकी अगर आपको कभी फार्म विजिट अगर आपको करना है तो आप कभी भी आके कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी जानकारी रह जाए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे जाए और हमें फॉलो करें और मैसेज कर आपको पूरी जानकारी आपको मैसेज में दे दी जाएगी।